नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। और जो हमारा आज का सी का टॉपिक है, सी के टॉपिक में आज हम करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस में दूसरा फंक्शन स्ट्रिंग कॉपी। अब देखिए, स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन की रिक्वायरमेंट हमें कहाँ पर पड़ती है। कई बार क्या होता है कि हमें एक स्ट्रिंग को दूसरी लोकेशन के ऊपर भी अवेलेबल करवाना है, तो हम बार बार उस स्ट्रिंग को ना लिख कर यहाँ पर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन का यूज़ करते हैं, ताकि हमारी वो स्ट्रिंग दोनों जगह हमें अवेलेबल हो जाए। तो इसका सिंटैक्स क्या है, द स्ट्रिंग कॉपी। तो डेस्टिनेशन सोर्स, डेस्टिनेशन जहाँ पर आप उसको यूज़ करना चाहते हो, सोर्स जिस स्ट्रिंग को आप यूज़ करना चाहते हो, तो ये सोर्स स्ट्रिंग को डेस्टिनेशन के अंदर कॉपी करता है। आइए हम इसी को एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि एग्जांपल में हम इस वर्किंग को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर तीन हेडर फाइल्स का यूज़ किया है, स्टीरियो डॉट एच, कॉनियो डॉट एच और स्ट्रिंग डॉट एच। स्ट्रिंग डॉट एच मेरे इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज़ करने के लिए यूज़ की गई है। वॉइड मेन फंक्शन, मैंने करेक्टर एक वेरिएबल लिया सी एच, जिसमें मैंने यहाँ पर 20 साइज दे दिया अपने स्ट्रिंग का, और उस स्ट्रिंग के अंदर मैंने लिख दिया पावर ऑफ नॉलेज। अब मैंने यहाँ पर दूसरी स्ट्रिंग डिक्लेयर की करेक्टर टू के नाम से, जिसका साइज मैंने 20 ही रखा है। मैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को यूज़ करता हूँ, करेक्टर टू जो मेरी डेस्टिनेशन है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाए, जो करेक्टर की इंफॉर्मेशन है, तो वो इंफॉर्मेशन करेक्टर में भी रहेगी और करेक्टर टू में भी रहेगी। अब मैं प्रिंट एफ करता हूँ वैल्यू ऑफ सेकंड स्ट्रिंग, तो जो भी मेरी वैल्यू होगी वो मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। आइए अब हम इसी प्रोग्राम को देख लेते हैं सी के अंदर कैसे इम्प्लीमेशन करेंगे। तो ये मेरी सी की स्क्रीन है, मैं यहाँ पर सबसे पहले हेडर फाइल्स का यूज़ करता हूँ, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच। तो जब मेरा इतना काम हो गया, अब मैं क्या करता हूं, यहां वर्ड मेन फंक्शन स्टार्ट करता हूं और दो करेक्टर वेरिएबल ले लेता हूं। मैंने ले लिया करेक्टर, मैं ले लेता हूं एक आपका सोर्स जिसका साइज 20 करेक्टर, एक मैंने ले लिया डेस्टिनेशन जिसका साइज अगेन 20 करेक्टर। क्लियर स्क्रीन, मैं प्रिंट एफ करवाता हूं कि जो भी मेरी सोर्स स्ट्रिंग में डाटा हो वो कहाँ से आए। मैं यूजर की रिक्वायरमेंट के बेस पे डाटा लेकर आना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने कर दिया, एंटर, ओरिजिनल स्ट्रिंग, मैं स्कैन एफ करवाता हूं इसके अंदर स्ट्रिंग कोमा एम परसेंटेज सोर्स। नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं गया, यहां पर मैंने क्या किया, कॉपीड स्ट्रिंग इज परसेंटेज एस, किसको यूज कर रहा हूं मैं, डेस्टिनेशन को, डी एस। अब मैं गेट करेक्टर करता हूं और अपनी प्रोग्राम को कंपाइल कर देता हूं। सॉरी, मुझे यहां डेस्टिनेशन नहीं लिखना है, मैं स्ट्रक्ट फंक्शन यूज करता हूं, स्ट्रिंग कॉपी डेस्टिनेशन कोमा सोर्स। मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग डाली वेलकम, कॉपीड स्ट्रिंग वेलकम। मैं अगेन करता हूं, मैं यहां पर कुछ और डाल देता हूं, पावर ऑफ नॉलेज, तो
कॉपीड स्ट्रिंग आपकी पावर। क्योंकि इसके अंदर होता क्या है कि अगर आप कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस ले लेते हो, वाइट स्पेस ले लेते हो, तो ये उसको एंड ऑफ द स्ट्रिंग मान लेता है। तो इसलिए इसने यहां पर उसमें आपको जस्ट पावर दिखाया। अब देखिए मैं इसी चीज को अगर इस तरह से करूं, पावर ऑफ सॉरी नॉलेज, तो वो एग्जैक्ट दिखाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर कहीं पर स्पेस ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया पावर स्पेस ऑफ, तो जहां पर उसको स्पेस मिल गया, वाइट स्पेस मिल गया, उसने उस स्ट्रिंग को वहीं पर ब्रेक कर दिया कॉपी स्ट्रिंग के अंदर। तो आज की हमारी क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।